देखिए, हमारी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो एक गिरोह के रूप में काम करती हैं। इनके पास ना कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, दुर्भाग्य है कि मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर मेरा मतभेद शुरू से रहा, मेरी वैचारिकता अलग किस्म की रही। तो कोई गिरोह किसी राज्य का कायाकल्प नहीं कर सकता। आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। यह विस्तार 84 दिनों पे हुआ है। इस तरह से ये अपने आप में एक उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो एक मनमुटाव था उसकी वजह बताई जा रही है। नौकरशाही.com के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ इरशादुल हक और मेरे साथ हैं नवल शर्मा, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रवक्ता हैं। आज हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि 84 दिनों के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नवल जी, आप इस विस्तार को कैसे देखते हैं? मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बिहार में जिस रूप में यह हुआ है वह अपने पीछे कई सवाल छोड़ के गया। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होने का कारण मेरे हिसाब से बीजेपी और जेडीयू के बीच की रणनीतिक रस्साकस्सी रही। देखिए, मैं जेडीयू का नेता हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष राजनीति में विश्वास करता हूँ, लेकिन बीजेपी का प्रयोग कहाँ तक सफल हुआ यह बीजेपी बताएगी। नए मंत्रिमंडल विस्तार में जिन मंत्रियों का चयन हुआ है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को एक बार फिर से रणनीतिक पटकनी दे दी है। आप अगर मंत्रियों के चेहरे को देखेंगे, उनका इतिहास देखेंगे, तो अधिकांश वही मंत्री हैं जो नीतीश कुमार जी के गुड बुक में हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की जुगलबंदी ने एक बार फिर से बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को घुटने पर ला दिया। तो जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से पटखनी दे दी है मंत्रिमंडल के विस्तार में। मंत्रिमंडल में 17 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 9 भारतीय जनता पार्टी से हैं, 8 जो है जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो संख्या भी लगभग बराबर है। हालांकि सदस्यों की संख्या विधानसभा में काफ़ी फर्क है, 41 और 74 का मामला है। जितने भी विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले हैं, एक दो को छोड़कर के, स्वास्थ्य वगैरह या पथ निर्माण को छोड़कर के, भारतीय जनता पार्टी की क्या बेबसी है? देखिए, मैं बीजेपी का नेता नहीं हूँ, या बीजेपी वालों से पूछिएगा, बेहतर बताएंगे, लेकिन एक निष्पक्ष दर्शक के रूप में घटनाओं को जिस रूप में मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि नीतीश जी और भाजपा के बीच में सुप्रीमेसी के जंग की शुरुआत हो चुकी है। और अभी तक के इस जंग में बीजेपी बैकफुट पर है और नीतीश कुमार जी आगे हैं। चाहे वह मंत्रियों का चुनाव हो, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो, इन सारे मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि इतना दिन तक मंत्रिमंडल विस्तार को रोक कर रखा गया? नीतीश कुमार जी से पूछने पर बोलते थे कि मेरे पास लिस्ट ही नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं से पूछे तो वो बोलते थे कि समय आने पर सूचना दे दी जाएगी। तो इसके पीछे का कारण क्या था? इसका कारण ये था, नीतीश कुमार जी चाहते थे कि जो बीजेपी कोटा के भी जो मंत्री हैं बने, वो जो भी मंत्री बने वो मेरी पसंद के बने, वो बीजेपी की स्वाभाविक पसंद नहीं। और इस लिस्ट को आप देखिए तो साफ लग जाएगा कि जिनका चुनाव हुआ है वो नीतीश कुमार जी की ही पसंद है। विस्तार हुआ है जनता दल यूनाइटेड में, भूमिहार समाज का एक काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन इस बार जो देख रहे हैं, पहला जो विस्तार हुआ, जो पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसमें विजय चौधरी थे, लेकिन इस बार एक भी दूसरे भूमिहार को जगह नहीं मिली है। इसको कैसे आप समझ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सवर्ण राजनीति को लेकर लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल पर जिस तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के साथ मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है। सवर्णों को देखने का नीतीश कुमार, मैं तो इस पार्टी का नेता रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि सवर्णों को देखने का नीतीश कुमार जी का नज़रिया कुछ अजीब किस्म का है। और हाल में तो पता चला कि वो भूमिहारों से कुछ ज़्यादा ही नाराज हैं। क्यों भाई? भूमिहारों ने उनको वोट नहीं दिया। तो एक और आप बात करते हैं विकास और सुशासन की, और आप बोलते हैं कि हम बिहार को जातीय राजनीति के दौर से बाहर निकाल कर नए दौर में ले जाएंगे।
जबकि जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ सब में केवल और केवल जातीय समीकरण है। न तो आपने योग्यता को तरजीह दी बल्कि जातीय समानता का भाव भी आपने नहीं रखा। भूमिहारों ने कौन सा गुनाह किया है? तो आपने देखा कि जैसे कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार ने काफ़ी तरजीह दी है, तो नीतीश के जो राजनीति का जो पहला दौर था जिसमें लव कुश की बात करते थे, तो क्या वो दौर वापस हो रहा है नीतीश की राजनीति में? कवायद उसी दौर को वापस लाने की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें सफलता मिल पाएगी। गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं, मापदंड बदल चुके हैं, और घिसे पिटे तरीके से पुराने ढर्रे से फिर से आप किसी समीकरण को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट सुनील कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्हें सीधे उठा करके मंत्री बना दिया है नीतीश कुमार ने। देखिए, मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है, विशेष अधिकार होता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। कैसे? यदि आप रिटायर्ड लोगों को मंत्री बनाएंगे तो जो वर्तमान लोग रहेंगे उनके 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 कार्य करने की शैली निश्चित रूप से प्रभावित होंगे होगी। वो लोग चाहेंगे कि भाई हम किसी बड़े पद पर हैं तो मुख्यमंत्री के आगे पीछे उनकी प्रदक्षिणा करें, ताकि रिटायरमेंट के बाद या वीआरएस लेने के बाद मंत्रिमंडल में एक बर्थ मेरा भी पक्का हो जाए। तो मुझे लगता है कि यह प्रवृत्ति वर्तमान नौकरशाहों में चारण और भाट की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, वो भी बिहार के कैबिनेट में एक बर्थ मिल जाए। मैं सुनील कुमार जी की योग्यता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जाहिर है यूपीएससी की परीक्षा पास करके ही आए होंगे, लेकिन यह नज़ीर सरकार को चलाने वाले लोगों के लिए है कि आप इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मत दीजिए। एक तरह से आप ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप नवल शर्मा की बेबाक इंटरव्यू को आप देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं, फिर भी इस बेबाकी से नीतीश कुमार के काम पे या उनके चयन की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। नवल जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 16 साल से नीतीश कुमार के सत्ता की सहयोगी रही है। इस 16 साल में उसने एक नया प्रयोग पहली बार किया है कि किसी मुसलमान को, जो सदन का सदस्य भी नहीं है, शाहनवाज हुसैन, उन्हें परिषद का सदस्य बनाया गया और मंत्री बनाया गया। ये इसे आप कैसे देख रहे हैं? शाहनवाज जी को क्या बनाया गया, कौन सा विभाग दिया गया, उस विभाग का बजट कितना है, उस विभाग की प्रासंगिकता बिहार में क्या है, क्या रिलीवेंस है बिहार में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का? आप देखिए, शाहनवाज हुसैन के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव भी है, आदर का भाव भी है, और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सहानुभूति का भाव भी है। इससे कुछ और इतर कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। इसमें एक सवाल नवल जी आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि 84 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अब कुछ जातियों को प्रतिनिधित्व जो पहले नीतीश जी दिया करते थे वो नहीं मिला, पिछली अति पिछली जातियों को थोड़ी सी तरजीह दी है नीतीश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई तरह के प्रयोग किए हैं, अब जो चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने विकास और लॉ एंड ऑर्डर पे, और जो ये कहा जा रहा था कि 84 दिन हो गए विस्तार नहीं हो रहा है इसलिए लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अब क्या उम्मीद की जाए इस सरकार से? देखिए, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक व्यापक कंसेप्ट है और इसका मंत्रिमंडल विस्तार से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है मेरे हिसाब से। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के पुरुषार्थ पर, उस व्यक्ति की कर्मठता पर जो सत्ता के केंद्र में बैठा होता है। तो मुझे लगता है कि अब नीतीश जी में पहले वाली बात नहीं रही। प्रायः सुनने को मिलता है कि नीतीश जी के आदेश को, नीतीश जी की बातों को बड़े बड़े अधिकारी दरकिनार कर दिया करते हैं। तो सत्ता चलाने के लिए आप में हनक होनी चाहिए। यह तो बिहार का दुर्भाग्य है। अगर इस कैबिनेट का विस्तार हुआ और इस कैबिनेट में अच्छे किस्म के, सुयोग्य किस्म के प्रशासक यदि नीतीश जी खोज कर लाए होते, अच्छे, अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, अपनी कर्मठता के लिए प्रसिद्ध, अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध, ऐसे लोगों से अगर नीतीश जी अपने मंत्रिमंडल को सजाए होते तो फिर यह बगिया देखने लायक रहती। लेकिन यह तो बिहार का दुर्भाग्य है कि अभी भी आप अपने मंत्रिमंडल को अति पिछड़ा पिछड़ा और जातीय चश्मे से देख रहे हैं, अभी आप उस लेवल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार को आपके जैसे किसी पॉलिटिशियन की आवश्यकता नहीं है, आपके जैसे स्टेट्समैन की आवश्यकता नहीं है, बिहार को एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता है, बिहार को एक वास्तुकार की आवश्यकता है जो बिहार के भविष्य को संवारे। और अभी जो परिस्थितियां हैं, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे दुख तब होता है
जब नीतीश जी पत्रकारों से यह बोलते हैं कि देखिए बिहार अभी क्राइम के मामले में 23वें नंबर पर है, क्या आप में इतना नैतिक बल है कि आप रुपेश की मां को जाकर बोल सकते हैं कि देखिए बिहार 23वें नंबर पर है, आप रोइए मत, हम 23वें नंबर पर हैं। तो भाई नीतीश जी बड़े प्रशासक हैं। चलिए हो गया। अच्छा, तो ये एक आखिरी सवाल, जो ये मंत्रिमंडल रूपी जो घोंसला, चिड़िए की घोंसला नीतीश कुमार ने बनाई है, इसमें कुछ चिड़िया ऐसे हैं, ऐसी हैं जो बाहर से उड़ करके आई हैं, जैसे सुमित सिंह को आप देख लें, फिर जमा खान को देख लें जो बीएसपी से आए, वो निर्दलीय थे। तो क्या इस तरह से एक घोंसला सजा करके नीतीश कुमार अपने घरौंदे को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो एक गिरोह के रूप में काम करती हैं। इनके पास ना कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, दुर्भाग्य है कि मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर मेरा मतभेद शुरू से रहा, मेरी वैचारिकता अलग किस्म की रही। तो कोई गिरोह किसी राज्य का कायाकल्प नहीं कर सकता। तो ये थे नवल शर्मा, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रवक्ता हैं। आज हमने इनसे बातचीत की, आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर। उम्मीद है